हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचि रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। आज हम आपके पास शेयर कर रहे हैं एकलेस कप केक की रेसिपी, और इसे कढ़ाई में बनाएंगे। बड़े ही आसानी से आप बना सकते हैं और बहुत ही ये सॉफ्ट स्पंजी केक बना है, तो आपको हम इसे कट करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट स्पंजी केक है। तो आप इसे घर में बनाएं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो इस कप केक को बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, और हमने हैवी कढ़ाई ली है। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें नमक डाल दिया है, ये ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो इसका कलर चेंज हो गया। यहाँ हमने एक स्टैंड को रख दिया है, और इसके ऊपर एक हम प्लेट को रख देते हैं, और इसके ऊपर हम कटोरियों को सेट करेंगे, और इसे हम एक प्लेट से कवर कर देते हैं, और इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। अब चार कटोरियाँ ले लिए हमने, और यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं, और अच्छी तरह से हमें रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करना है, जिससे आसानी से कप केक्स बाहर निकल आए। इसी तरह से हमने एक मोल्ड्स ले लिए हैं, मोल्ड्स में भी सेट कर लेते हैं, और इसे अच्छी तरह ग्रीस कर लेते हैं, और पेपर कप्स को भी अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेते हैं, और इसे हम OTG में भी सेट करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। एक बाउल ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ले लिया है, और रिफाइंड ऑयल जो आप लें उसमें किसी तरह की स्मेल नहीं होनी चाहिए। और 50 ग्राम दही ले लिया है, दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही यूज़ ना करें। और यहाँ पर 1/2 कप पिसी हुई चीनी ले लिया है, और इन सबको अच्छी तरह से हम विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेंगे। एक स्ट्रेनर ले लिया है, और इसमें हम 1 कप मैदा ऐड कर देते हैं। 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल देते हैं। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो मिल्क पाउडर आप ज़रूर यूज़ करें। और इन सभी को हम स्ट्रेन कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून यहाँ बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, और 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल देते हैं। आप इस तरह से लेवल करके डालें, और जो एक्स्ट्रा हो उसे आप पहले से ही हटा दें, और इसे भी स्ट्रेन कर लेंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, और दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और इसे धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से फ्रेंड्स इसे आप चलाएं, जिससे अच्छी तरह से केक फूलेगा। और यहाँ पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ले ली है, करीब 1/2 कप, इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस करीब 1 चम्मच यूज़ करेंगे। आप चाहें तो वनीला एसेंस या अपनी पसंद का कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। एसेंस से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा दूध ऐड कर देते हैं, अभी थिक है, और इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी पर ये आ जाना चाहिए, और जब हम गिराएं तो रिबन फॉर्म में ये गिरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बस कटोरियों को हम फिलअप कर लेते हैं। 1/4 ये हमें इसे फिल करना, यानी आधी कटोरी से भी कम। तो सभी कटोरियों को हम इसी तरह से फिल कर लेंगे, और इसे गार्निश कर देंगे टूटी फ्रूटी से। गार्निश करने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से टैप करना है, और इसे हम प्लेस कर देंगे कढ़ाई में। और कढ़ाई में करीब 35 से 40 मिनट तक इसे हमें बेक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, जब तक ये अच्छी तरह से बेक ना हो जाए। और इस तरह से हमने मोल्ड्स को भी फिल कर लिया है, और इस पर टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। OTG को हमने पहले ही 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, और उसके बाद इसको उसमें सेट करने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो कढ़ाई में बना सकते हैं, या OTG में बना सकते हैं, आप किसी में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास OTG नहीं है तो आप कढ़ाई में भी, कटोरी में इसे बड़े आराम से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने OTG को 180 डिग्री पर सेट कर दिया है, करीब 10 से 15 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, आगे बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। तो इसे ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। अब कढ़ाई वाला भी केक हम चेक कर लेते हैं कि कप केक भी बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है, तो इसे भी ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे। तो
फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप घर पे बड़ी आसानी से इन कपकेक्स को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कढ़ाई के कलर के भी बहुत अच्छे बने हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली